दोस्तों शायद ही आपको पता हो कि हमसे शायद 384,403 किलोमीटर दूर मौजूद चांद हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है और हमारे यहाँ कहानियों में से चंदा मामा कहा जाता है। अगर चांद ना रहे तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का ही होगा। चांद के बारे में खोज करने के लिए नए नए मिशन लॉन्च होते रहते हैं। एक ही है, हाल ही में लॉन्च ही किया गया चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरने जा रहा है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। चांद पर अब तक 12 एस्ट्रोनॉट गए हैं जो सही सलामत पृथ्वी पर वापस लौट कर आ गए हैं। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में और ऊपर उठाया गया मंगलवार को। 5वां मैनूवर पूरा करने के बाद सफर पर निकलेगा, फिर चांद की कक्षा में पहुंचकर चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3। फिलहाल पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मंगलवार 25 जुलाई को 5वें मैनूवर के बाद यह आखिरी कक्षा में पहुंच गया। भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 5 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावनाएं जताई गई है। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। भारत एक दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। दोस्तों ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दो। दोस्तों फिर मिलते किसी नए वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।